सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और भोजपुरी के उभरते हुए स्टार प्रदीप पांडे चिंटू, इन दोनों की फिल्म दशहरा के दिन ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब निरहुआ ने मन बना लिया है कि वो अपनी फिल्म दशहरा के दिन न रिलीज करके छठ के मौके पर रिलीज करेंगे। दिनेश लाल यादव निरहुआ की फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 3 और प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म दुल्हन चाहे पाकिस्तान से 2 की पहले भी सीरीज आ चुकी है और ये दोनों फिल्में कामयाब रह चुकी है। निरहुआ हिंदुस्तानी 3 की तो 2 सीरीज आ चुकी है और चिंटू के फिल्म की 1, और दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है। लेकिन कहा जा रहा है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ नहीं चाहते कि उनकी फिल्म को कोई दूसरी फिल्म क्रैश करे या फिर उनके बिजनेस पर कोई इससे असर पड़े, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि एक दिन जब दो फिल्में रिलीज होती हैं या एक बड़े मौके पर जब दो फिल्में रिलीज होती हैं तो नुकसान किसी न किसी फिल्म को जरूर होता है। वैसे आपको बता दें कि प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म काफी शानदार है और इस पे बहुत पैसा भी खर्च किया गया है। इस फिल्म से पहली बार मुकुल देव भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर को जिसने भी देखा वो तारीफ किए बगैर नहीं रहा, क्योंकि फिल्म पर अच्छा खासा पैसा लगाया गया है। इसलिए निरहुआ अब ये रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते कि उनकी फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 3 को किसी भी तरह का लॉस हो। ऑलरेडी बॉर्डर फिल्म के इतिहास को वो दोबारा दोहराना नहीं चाहते कि किस तरह से क्रिटिक्स ने उनकी फिल्म बॉर्डर को नकार दिया था। भले ही फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया था, लेकिन फिल्म काफी कॉन्ट्रोवर्सीज में रही और निरहुआ के एक ऑडियो क्लिप ने तो फिल्म के लिए बवाल ही क्रिएट कर दिया था। सो इस बार निरहुआ नहीं चाहते कि उनकी फिल्म किसी भी फिल्म से टकराए और बेवजह का बतंगड़ बने। इसलिए निरहुआ ने फैसला लिया है कि निरहुआ की फिल्म दशहरा के बजाय छठ पर रिलीज की जाएगी, ताकि उसे सिंगल स्क्रीन मिल सके। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। We'll be right back.